अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब जो है वो मेरे डे का स्टार्ट जो है वो होने वाला है। ये देखो, ये आ गई है। मतलब डे का स्टार्ट से ये कह लें कि मेरे घर के काम काज, जो कुकिंग, सफाइयाँ, सब कुछ जो है यहाँ पे खुद करना होता है, तो वो अब मेरा 4:30 बजे स्टार्ट होता है। जब इनका अभी स्कूल से फारिग हुई एंड आई मेक मायसेल्फ एन अच्छा लंच। मेरी बेटी देखो कितनी सुगर्ड हो गई है। तो मेरा ये अभी स्टार्ट होता है 4:30 बजे, क्योंकि पहले तो मायरा और समीर का स्कूल होता है। मायरा तो खैर खुद ही पढ़ती है, समीर अभी छोटा है, उसके साथ मुझे ऑनलाइन उसकी क्लास होती है, बैठना पड़ता है। और हाँ, नहीं नहीं, अब उसने काफी वो किया है कि अब खुद करने लगा। पहले तो मुझे बिल्कुल उसके साथ चेयर पर बैठना पड़ता था फुल टाइम, लेकिन अब ये कि अब वो हेल्प लेता है, लेकिन फिर भी बैठना उसके साथ होता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसको हेल्प की। तो फिर होता यही है कि जब इनकी ब्रेक टाइम होती है उस वक्त फिर मैं आके जो है वो इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना, स्नैक देना, फिर उसके बाद स्पारा होता है। स्पारा के बाद फिर 4:30 बजे स्पारा फिनिश होता है, फिर उसके बाद मैं सही तरह से अपना घर का काम स्टार्ट करती हूँ, क्लीनिंग करना, फिर उसके बाद कुकिंग वगैरह करना। और बल्कि ये 2-3 दिन पहले मैंने, अभी आपको दिखाती हूँ हमारे लिविंग का क्या हुलिया हुआ पड़ा है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने मेकअप वगैरह किए, तो उसके बाद से मैं इतनी ज्यादा बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं थोड़ा जगह को क्लीन कर लूँ। ये तो थोड़ा सा बंदा लेजी हो जाता है ना, क्योंकि आजकल जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हुई है, कोई आता जाता नहीं है, तो वो बंदे को होता है कि अभी किसने आना, चलो कुछ और कर लें, इसको बाद में समेट लेंगे। लेकिन अब खुद को ही उलझन हो रही थी। तो आज जी जी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी अपने घर का मैस। अपने घर का क्या, इसी एरिया में मैस है। वो जो किचन और फैमिली रूम है वो क्लीन है, वो साफ साफ होता ही रहता है। इधर जरा ये कि कम ही इस तरफ बच्चे आते हैं, ज्यादातर टीवी उधर है तो उधर ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे अभी वैसे वैसे अच्छे बच्चे हैं मेरे, छेड़ते नहीं है किसी भी चीज को, बट मेकअप जरा बिखरा हुआ था तो मैंने उनको फिर भी बोला था, मैंने कहा अभी यहाँ पे ना हो क्योंकि कोई मेकअप वगैरह टूट ना जाए। वी आर कॉन्फिडेंट, अस किड्स आर कॉन्फिडेंट। तो ये देखो कितना हमारा मैस जो है वो मेकअप का हुआ पड़ा। अब मैं जो है ना इसको सारा मैंने समेटना है। ये देखें जरा, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन पहले हम लोगों ने मेकअप वगैरह किया था, लेकिन मुझे अभी टाइम निकल नहीं रहा था बिल्कुल भी, और चीज़ों में मैं काफ़ी बिजी थी, बच्चों के साथ कुकिंग में और ये वो और चीज़ें थी, तो मेकअप के लिए ज़रा टाइम काफ़ी चाहिए था। तो मैंने आज जो है ना वो टाइम निकालना ही है हर सूरत में, बल्कि निकाल लिया कि मैंने अभी ये काम करना है, क्योंकि फिर मैं आपको अपनी सारी मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊँगी और दिखाऊंगी कि क्या क्या जो चीजें हैं जो हम मेकअप में यूज करते हैं। मुझे बिल्कुल अपना वही पुराना सा टाइम जो है वो याद आ रहा है। इतना अच्छा टाइम था ना जब मैं मेरा बीएससी जब मैंने ना कंप्लीट की थी अपनी, बीएससी के बाद एग्जाम्स वगैरह दिए थे फाइनल ईयर के, तो फिर मेरा टाइम आता है उसमें आपको 4-5 महीने का रिजल्ट वगैरह का एडमिशन का उस दौरान ना, तो उस दौरान फिर मैंने ना सैलून पार्लर का सीख लिया था, मुझे बड़ा शौक सा था सीखने का। तो मैंने वहाँ पाकिस्तान में, मतलब मैं मुल्तान से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो वहाँ मैंने कैंट में मैं जाती होती थी सीखने के लिए, तो वो 4-5 महीने लगाए। लेकिन फिर मेरी यूनिवर्सिटी बाद में स्टार्ट ही हो गई थी, तो भी मैं जो है ना ईद वगैरह के मौकों पर या फिर शाम में बेशक 3-4 घंटे के लिए मैंने जाना, लेकिन मैं चली जाती थी, तो बड़ा फन था, बड़ा मुझे मज़ा आता होता था। तो यूनिवर्सिटी में मैंने बताया नहीं था कैसे मैंने सीखा है ना, तो यूनिवर्सिटी वालों फ्रेंड्स को सिर्फ पता था, तो यूनिवर्सिटी में तब पता चला था जब मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर था, तो बिल्कुल वो एंड फाइनल एग्जाम्स के होने वाले थे, तो फिर मैंने जो है ना घर में अपना सैलून बनाया, क्योंकि लोग मेरे पास आते थे काम वगैरह करवाने के लिए अपना, तो लेकिन वो प्रॉपर जैसे जगह नहीं होती थी, बस मैंने एक चेयर वगैरह ही रखी हुई थी जो आते करा लेते थे, तो काफी लोग आने लग गए थे, तो फिर मुझे कहते थे कि आपको ना सेटअप करना चाहिए, आप सेट करें कुछ, बनाएं अपना पार्लर ना, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, आपके पास इतने लोग आते हैं करवाने। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो अपना, हम लोगों का रूम ही था उधर, घर में ही मैंने रूम जो है अपना पूरा एक सैलून टाइप सेट कर लिया, तो मुझे पता नहीं था, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने मेरे पास लोग आएंगे, और जब मैंने वो सेट किया तो उससे तो मेरे दुगने चुगने पता नहीं कितने हो गए, तो इतना फन आता था लोगों के साथ, उनका काम करके, उनके साथ गपशप करके, और वो इतनी मजे का जो कह रहे हैं कि टाइम था यूनिवर्सिटी का, मुझे अभी भी यूनिवर्सिटी का बहुत फन वाला टाइम था। मैंने अपनी फ्रेंड्स पे बहुत ट्राइयां मारी हुई हैं, तो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का होता था कॉमन रूम ना, तो वहाँ पे गर्ल्स का यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में तो गर्ल्स के जो होते हैं कॉमन रूम होते हैं,
सेपरेट से बने होते हैं, तो वो वहाँ पे चेयर्स वगैरह पड़ी होती थी, तो मैं उनके ऊपर वो जी आईब्रोज बना रही होती थी, एक ने यहाँ से पकड़ा हुआ है तो दूसरी ने इधर से पकड़ा हुआ है, फिर उसकी आईब्रोज बना रही हूँ। हॉस्टल में जाके हम लोग जो है ना हॉस्टल गर्ल्स के हॉस्टल भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होते थे, तो वहाँ पे हॉस्टल्स में जाके मैं जो है ना उनकी कटिंग्स कर रही होती थी, और बहुत मैंने मेकअप शेकअप भी इनके काफ़ी किए यूनिवर्सिटी के दौरान। फाइनल ईयर के दौरान ही मेरी फ्रेंड जो है उसकी बहन का निकाह था, उसको मैंने तैयार किया था, बड़े मैंने तजर्बे किए लेकिन अच्छे तैयार हो गए थे। और फिर मेरी फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होने के एक साल के बाद जो है मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो वो तो हमेशा यादगार है, हिना उसका नाम है, उसको भी मैंने तैयार किया था बारात पे, और उस पर लेकिन ये कि उन पे बेचारियों पे पहले तजर्बे भी बहुत किए, लेकिन वैसे बुरे तजर्बे नहीं हुए, उस वक्त तक मैं सीख चुकी थी जब तक मैंने उन पे तजर्बे किए हैं। ये कि यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में हम लोगों ने बड़ा फन किया, वहाँ पे जब हम कटिंग वगैरह कर रहे थे पूरी पूरा हमें लड़कियाँ वहाँ देख चुकी थी, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो वहाँ पे हमारी कटिंग हो रही होती थी, फिर कॉमन रूम में हम लोगों की आईब्रोज बन रही होती थी, मैं आईब्रोज बना रही होती थी, बड़ा मजे का जो है ना वो टाइम था। हाँ तो हो गया मेरा काम आफ्टर ऑल, तो मैंने सारे जो है ना वो अपने ऑर्गेनाइज कर ली है सारे, पहले तो मैंने मतलब अब ये कि भैया सामने रहेगी, अभी तो मैंने आपको सारा टेबल वगैरह पे लगा दिया, मैंने कहा मैं दिखाऊं अपनी कलेक्शन, अभी तो ये 3/4 समझ लें मेरी कलेक्शन है, अभी आधा ऊपर है, वो बाद में मैं आपको फिर से उसका ऑर्गेनाइज करूंगी तो दिखाऊंगी। आप ऊपर थे और मैंने कर लिया नीचे, इतनी क्विक नहीं हुआ मुझे, 1.5 आवर लगा है इसको करने में, बाकी मेकअप बाद में करूंगी, तो मैंने कहा कि पहले मैं दिखा दूं अपनी कलेक्शन, फिर मैंने कहा कि इसको मैं सबको बंद करके इसको फिर सारा बॉक्स वगैरह में डाल के रखूंगी सही तरह से ऑर्गेनाइज करने करके, ताकि जब भी मेकअप करना हो ना तो फिर इजीली बंदा कर सके, वरना इतनी मुश्किल होती है, ये ब्रश नहीं मिल रहा, आई शेड किट ढूंढ रहे हैं, ये सब बिखरा पड़ा था। तो ये देखें ये कलेक्शन है, ये मेरी आई शेड्स जो हैं वो पैलेट्स हैं उनकी ये कलेक्शन है, ये विकी इधर से दिखाओ यहाँ से सारे, हाँ ये देखें ये सारी मेरी कलेक्शन आई शेड्स की, और मेकअप बहुत हम लोग खरीदते हैं, और जो है वो अभी मैंने इतना सारा जो मेकअप था जो एक्सपायर्ड हो गया था वो फेंका है, और अभी ये जो स्टार्ट में ये चीज़ें पड़ी हैं बिल्कुल मेरा न्यू है, मैंने लास्ट मंथ में मंगवाया है, सुबी की ये वाली दिखाना, ये वाली ये कलर पॉप, मैंने आपको बताया था ना कि साथ साथ मैं आपको रिव्यू इसका दूंगी कि कौन सा आपको मंगवाना चाहिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, तो ये तो मैं इतने साथ ही इसमें ग्लिटर है, बल्कि आपको होगा आप मेरे यूट्यूब देखें वीडियो तो येलो मेकअप हमने इन दो कलर्स में किया है येलो में ना, तो साथ ही ग्लिटर मिल गया सेपरेट से, जो घर में करते हैं उन्हें सेपरेट से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये देखें, और ये मैंने कुछ सोफे पे रखी हुई है क्योंकि इतना सारा मेकअप टेबल पे पूरा नहीं आ रहा था, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के टू फेस है और डिफरेंट कंपनीज की हैं, और इतनी प्यारी इस दफ़ा पैकिंग में आई है ना, देखें कितनी खूबसूरत इतनी अच्छी पैकिंग में आई है, मैंने लास्ट मंथ मंगवाई है, बहुत प्यारी इस दफ़ा पैकिंग आई है ना, और ये वाला ये देखें ये मेरे ग्लिटर है, ये आई शेड्स हो गए ना सारे भी थी, और अब ये मेरे आई शेड्स हैं सेपरेट वाले ग्लिटर्स हैं, ये सारी मेरी वो है ग्लिटर्स आई शेड्स की कलेक्शन है ये सारी, इसमें डिफरेंट कंपनीज के हैं, लोरियल के हैं, निक्स के हैं, कलर पॉप्स के हैं, एल्फ के हैं, और ये देखो ये भी मेरे हैं, ये आई पेंसिल्स भी हैं, और आई शेड कलर्स ग्लिटरी शेड्स हैं लिक्विड में हैं आई कलर्स ना, और मेरे जो बहुत अच्छी इसकी भी ब्लेंडिंग होती है, ये जब आईज पे हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, ये निक्स के हैं मेरे पास डिफरेंट के हैं, ये जैसे रेवलोन का है ग्लिटर है, ये पेंसिल है मिक्स है, सेफोरा है, निक्स है, और काफ़ी डिफरेंट कंपनीज की हैं, और ये ब्लश वगैरह ये ब्लश है मेरे सारे, और इसमें ये देखें एल्फ के भी हैं, ये सेफोरा के भी हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है मेरा फेवरेट रस सा पीच सा कलर है, इतना प्यारा आता है, और थोड़े ना सेफोरा के इसलिए भी अच्छे लगते हैं, थोड़े क्रीमी टाइप भी होते हैं, ऐसा वो टिंट का भी समझ लें काम दे देते हैं, और ये बॉबी ब्राउन का मेरा ये बहुत ज़बरदस्त है, ये हाईलाइटर है बहुत ज़बरदस्त है, और ये निक्स के भी हैं हाईलाइटर वगैरह, और ये भी मेरे आई शेड्स तो के तो भरमार है डिफरेंट कंपनीज के ये आई शेड्स हैं, और साथ में ये मेकअप स्प्रे है मेरे,
और ये भी बड़ा अच्छा जो है काम छकने में चारों की बिगड़ गई हैं लेकिन ये अर्बन डिके का बहुत ज़बरदस्त काम करता है और मेकअप स्प्रे है। और ये ब्रशेज की कलेक्शन है मेरी, अभी कुछ ब्रशेज जो हैं ऑर्डर किए हुए आएंगे। ये भी है विकी ब्रश, ये सारे मेरे ब्रशेज हैं देखें, और ये वाले भी, ये भी ब्रश की कलेक्शन है सारी। और ये मेरे कंसीलर्स हैं और फाउंडेशन है इसमें स्टिक्स वाली। और ये सबसे जो बेस्ट है ना, ये आवर ग्लास की है मेरे पास डिफरेंट शेड्स में, बहुत अच्छी है ये। आपको जोर जोर से लगाना नहीं पड़ता कि इतना खैंच जोर जोर से आपको उसको जो है वो मिक्स करना पड़े, इस तरह नहीं, बहुत इजीली लगता है, बहुत अच्छा। और कंसीलर का काम भी देती है अगर आप इसको कंसीलर के तौर पे भी यूज़ करना चाहें बेस के साथ। और ये टू फेस का मेरे पास कंसीलर है, ये इसमें लिखा भी हुआ है मल्टी जो है वो यूज़ है, बहुत डिफरेंट तरह का जो है ना आप इससे कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों में से सिर्फ मेरी एक चीज़ पे नज़र पड़ी है जो मेरा काम है, ये है अमेज़न का लेबल जो मैं भी अपने प्रोडक्ट्स पे लगाता हूँ। ये मैं जी अमेज़न से मंगवाई थी मैंने, आई लैशेज हैं ये वाली, अच्छी है बस ठीक है, लेकिन ये वाली ज़्यादा बल्कि अच्छी है, ये विस्पी वाली ना, ये वॉलमार्ट से मैंने ली हैं। और ये डिफरेंट कंसीलर है, और ये कंसीलर भी, कि मैंने बताना है कि ये कंसीलर भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर मेकअप कलेक्शन दिखा रहे हो तो बताना भी चाहिए ना तो क्या अच्छा है। ये टॉर्ट वालों का है, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंसीलर है, जो मेकअप वगैरह खुद भी यूज़ उनके लिए आसानी होती है, जिन्हें नहीं करना आता और वो ईजिली इसको लगा लेते हैं, आराम से ब्लेंड हो जाता है। और ये लिपस्टिक्स वगैरह हैं, लिक्विड वाली लिपस्टिक्स हैं और मैट लिपस्टिक्स हैं, शाइन में हैं। और ये आई पेंसिल्स हैं अंदर डालने के लिए, बहुत ज़बरदस्त हैं, जेल फॉर्म में हैं, ये देखें। इसकी ये आसानी होती है कि जिनको एलर्जी वगैरह होती है ना, वो दूसरी ड्राई वाली पेंसिल लगाते हैं तो वो एलर्जी वगैरह होती है तो वो आंखों में पानी आ जाता है, इससे वो नहीं आता, ये जेल फॉर्म में और इतनी ईजिली आँख के अंदर लगती है ना। तो ये भी कलर पॉप वालों की हैं। और ये सारे जो है ब्रॉन्जर, ये सारे कंट्रोलिंग वगैरह के लिए हैं, ये वाले ये सारे दिखाना। तो ये थी मेरी कलेक्शन, जो कि अभी और दिखाऊंगी, अभी बहुत मेकअप ऊपर पड़ा हुआ है ये तो अभी जो मैं निकाल के लाई थी और हम लोग मेकअप के लिए यूज कर रहे थे, अभी ये वाला है। हाँ जी, तो ये थी मेरी जो है कलेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और होपफुली आगे हम जबरदस्त किस्म के मेकअप करें इसके साथ और आपको पसंद आए। तो अब ये मैं सारा जो है वो इसको बंद करके और सब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखूंगी, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब मेकअप की वीडियोस बने बड़े आराम से बने और ये सब कुछ यूज करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो है वो मुझे अक्सर निकाल के ना, आप मेकअप वगैरह नहीं इतना शो करते ना, जो भी मेकअप कर रहे होते हो क्या यूज कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम होपफुली हम जो है ना भूल जाते हैं, अभी नया नया बनाना शुरू किया है ना वीडियोस, तो नेक्स्ट टाइम साथ साथ मेकअप भी दिखाई करेंगे कि कौन सा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिखा करूंगी कि कौन सा मेकअप हम यूज कर रहे हैं। तो होपफुली आपको मेरी मेकअप कलेक्शन पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। आ गई है क्योंकि मायरा की तरह all the notifications on all because you won't miss any of our videos. और मायरा का मैंने लाइनर भी ट्राई कर लिया है, मायरा ने अभी मेकअप, इतना मेकअप बिखरा हुआ था, मायरा ने लाइनर लगाया अभी। चलें फिर मिलते हैं, ओके, लाफ़ इज़, बाय बाय।